हिमाचल सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चंबा जिले ने फिर एक बार मात खाई है। स्थानीय प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों का कहना है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने अपने विधानसभा चुनावों में भी सबसे ज्यादा बढ़त अर्जित की थी और लोकसभा चुनावों में तो पूरे प्रदेश में भटियात ही एक ऐसा विधानसभा का क्षेत्र था जहाँ सबसे ज्यादा वोटों की बढ़त अपने कांगड़ा चंबा के प्रत्याशी को दिलवाई थी। चंबा जिले को प्रदेश सरकार में कोई पद नहीं दिए जाने पर लोगों का गुस्सा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इन लोगों का कहना है कि बड़े ही दुख का विषय है कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ लेकिन चंबा जिले को कोई मंत्री नहीं दिया जाना चंबा जिले के पिछड़ेपन को दर्शाता है। इन लोगों ने बताया कि वैसे भी देखा जाए तो चंबा जिला अन्य जिलों की अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ जिला है जिसको कि एक मंत्री मिलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए भी चंबा का विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि यही कारण रहा है कि चंबा पिछड़ा था, पिछड़ा है और पिछड़ा ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज नायर से बात की गई तो उन्होंने तीनों नए मंत्रियों को बधाई दी तो वहीं उन्होंने इस बात का भी दुख जताया कि भाजपा के शासन काल में चंबा जिले की हमेशा ही अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि हम भले ही विपक्ष में हैं फिर भी हम चाहते थे कि चंबा जिले को कोई कैबिनेट रैंक जरूर मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार जब जब भी रही जिले को एक नहीं बल्कि दो दो कैबिनेट मंत्री के साथ एक चेयरमैन भी मिला। उन्होंने जयराम सरकार पर चंबा जिले के साथ अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए था कि चंबा जिले से एक नहीं बल्कि चार चार एमएलए चुनकर आए हैं फिर भी चंबा के लोगों के साथ ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब चंबा की जनता आने वाले चुनावों में जरूर देगी। हिमाचल तेज खबर के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो मंत्रिमंडल में हिमाचल के मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है वो एक खुशी की खबर है लेकिन हम चंबा वासियों के लिए कुछ ज़्यादा खुशी की खबर नहीं है क्योंकि यहाँ के विकास के लिए हमें अधिक से अधिक जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमारे पुराने पुराने के जो दिग्गज थे जो दो दो तीन तीन बार जीत के आए हैं उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया इसमें मंत्रिमंडल में, जबकि उन्होंने जबकि बीजेपी को इसमें एमपी के सीट्स में भी भटियात वगैरह अब भटियात से सबसे अधिक सीट मिली है, सबसे अधिक वोटें मिली हैं। तो वो जो लोग थे जिन्होंने इतनी जीत दिलाई है उनको सम्मानित करना चाहिए था। बड़ी अफसोस की बात है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो चंबा के लिए हमारे कुछ भी नहीं मिला है। चंबा हमेशा ही राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा रहा है, यहाँ मंत्री कभी कभार ही कोई मंत्री बन के आए हैं तो इस वजह से हमारे चंबा का विकास हो पाना बहुत मुश्किल है। चंबा वैसे भी हमारे हिमाचल का एक दूर दराज क्षेत्र पड़ता है, इसके लिए एक मंत्री कैबिनेट होना बहुत ज़रूरी है तभी चंबा के लोगों को कुछ विकास की आशाएँ मिल सकती हैं। अदरवाइज़ चंबा जो है पिछड़ा था, पिछड़ा है और पिछड़ा ही रहेगा इस ऐसे हालात में। सबसे पहले तो मैं हाल ही में जो तीन मंत्री बने हैं अभी पिछले कल उन सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा और साथ ही में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ी दुख की बात है कि हाल ही में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें चंबा के डिस्ट्रिक्ट से किसी को भी को मंत्री पद जो है नहीं दिया गया और इस भाजपा राज के अंदर चंबे की जो अनदेखी की जा रही है वो सबके सामने है। तो हर जगह जो है बहुत ही जो है बेकदरी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की जा रही है और आने वाले वक्त के अंदर, और हालांकि देखने में जो चीज़ आई है कि इस बार चंबा डिस्ट्रिक्ट ने चार सीटें जो हैं जो चार विधायक हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं भाजपा राज के अंदर, तब इनका ये हाल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो जनता है भाजपा को चंबा डिस्ट्रिक्ट से मुंह तोड़ जो जवाब जो है वो देगी और ये जो अनदेखी जो है की जा रही है, मैं सिर्फ मंत्री पद पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे भी देख रहा हूँ कि चंबा की जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो है अनदेखी जो है वो की जा